आज हम पैसिफिक मॉल में सीखेंगे कि बैग स्कैनर मशीन पर किस तरह से वर्कआउट किया जाता है उसके बारे में। हमारे रविंदर जी हैं, एक एक चीज़ का ये पर्टिकुलर 5-6 साल से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। रविंदर जी, कैसे आप डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में मेरे को बताइए। सर, मैं यहाँ लगभग 5 साल से काम कर रहा हूँ। ओके। इससे पहले हम अपने बटन्स पे करते हैं, ये अपना पावर ऑन ऑफ का है, इससे मशीन ऑन होती है एक्सरे। फिर अपना रिवर्स का है, अगर कोई बैग आगे चला गया हमको दोबारा चेक करना है तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। फिर ये अपने सुपर का बटन है, किसी फ़ोटो अगर क्लियर नहीं हो रहा तो फिल्टर करने के लिए इसको प्रेस करते हैं। okay. और वापस बैक करने के लिए ये इनहेंस का बटन है। अगर हमको ब्लैक एंड करना है सारा तो ये WC का बटन करना है, और ब्राइटनेस बढ़ानी है तो ब्राइट पर करना है। उसके बाद अपना यहाँ पर ये फाइल का बटन है, जिससे पूरी फाइल निकलाती है। ये मेन मेन्यू का है, इससे हम पीछे के बैक साइड के फ़ोटो देख सकते हैं, जैसे 15 दिन पहले के। ये एग्जिट है, इससे वापस बैक आ सकते हैं। अगर हम फोटो को जूम करना चाहें तो ये प्लस का जो है इससे जूम हो जाता है और इससे वापस जूम आउट हो जाता है। फिर हमने ये दो बटन है, इससे भी बैक चलती मशीन है बैक साइड में, और इससे फिर आगे चलेगा। अगर हम स्टॉप करते हैं या स्टॉप करके इनको एक एक करके बैक साइड करके देख सकते हैं फ़ोटो, इससे आगे करके देख सकते हैं। ये बटन फोटो स्क्रीन पर जो आता है उसको अप डाउन या आगे पीछे करके देख सकते हैं। ये भी अपना कर्सर की तरह जूम करके देख सकते हैं। ओके, इन्हें पूरे डिफाइन किए, यहाँ पर जितने भी इनके यहाँ पर वर्क करते हैं, ये बटन जो हैं जितने इनके यहाँ वर्क करते हैं, इन्हें पूरे डिफाइन किए हैं रविंदर जी ने। अब ये रविंदर जी, ये बताइए कि जो ये कलर कोड होते हैं ये कैसे यूज कैसे करते हैं आप, कलर कोड का क्या है? सर, कलर कोड है, अपने दो होते हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी में दो कलर हैं, एक है अपना ऑरेंज और एक है ग्रीन, और हाई डेंसिटी है ब्लू और ब्लैक कलर। लो डेंसिटी हो गई, उसमें पहला आ गया ऑरेंज। ऑरेंज में कपड़ा हो गया, कुछ ठोस चीज़ें जो जलने के बाद राख बन जाती हैं वो ऑरेंज कलर में आती है। और फिर है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में अपना हो गया प्लास्टिक, हो गया हल्का खाने टाइप में हो जाता है, लेकिन जैसे कुछ खाना है वो पेपर फॉइल में फोल्ड कर रखा है वो ब्लू आएगा। एल्कोहल है वो भी ब्लू आएगा, लेकिन जो कुछ हैवी मेटल है आपका वो ब्लैक में दिखेगा आपको। जो ज़्यादा हैवी है उसका घनत्व ज़्यादा है वो ब्लैक में दिखेगा, जैसे हथौड़ा हो गया, प्लास हो गया, पेचकस हो गया, चाबी कुछ ऐसे हो गया, वो ब्लैक दिखेगा। जैसे ये लैपटॉप है, ये आपको ब्लू में दिख रहा है इसको, उसमें मेटल में। ओके, आपने डिफाइन किए, हमारे 4 कलर कोड होते हैं, पहला ग्रीन, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ब्लू और चौथा ब्लैक। तो आपने सभी को डिफाइन भी किया, ये इस पर आता है। और इस तरह से हमारी बैग स्कैनर मशीन चलती है, जिसमें आप देख रहे होंगे हमारे एक विक्टर आ रहे हैं, वो जो है इसमें बैग डाल रहे हैं, और बैग डालने के बाद इस तरह से ये सर्चिंग फिशिंग करते हैं इस पर, कि इस पर क्या क्या चीज़ें हैं। रविंदर जी, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि सर इसमें सीजर होगी वो निकाल दीजिएगा? देख लीजिए, इनने सीजर दिखाया और जो है सीजर वो निकाल दिया। सीजर मेटल है, ये ब्लू दिखा रहा है, उसमें करना है। ओके, जो कस्टमर आए जैसे बोतल है पर ये मेटल की है, तो ये भी डार्क ब्लू ब्लैक में दिखा रही है अपनी, तो हैवी मेटल है। ये जो है इनने अभी ये निकाला है, देखो हमारे रविंदर जी ने तुरंत बैग स्कैनर किया और ये उनने उसमें से सीजर निकाला, जो कि ये अंदर जाना उचित नहीं है, इसको जो है अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो एकदम डिफाइन कर देते हैं, और इनका बहुत अच्छा अनुभव है इनको। और रविंदर जी, यहाँ पर ये पूरे आपको बटन से के बारे में किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें इनने आपको डिफाइन कर दिया है। ओके।